सारी तैयारियों के साथ लड़की पक्ष वाले बारात के स्वागत का कर रहे थे इंतजार, लेकिन ऐन वक्त पर दुल्हा हो गया फरार। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दरअसल यह मामला शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव का है, जहां गांव के युवक ने पड़ोसी युवती से जाति की थी कि पर पुलिस का मामला दर्ज किया गया। बुढ़ान न्यायालय में प्रकरण विचारधान। इस बीच युवक उस युवती की शादी के लिए तैयार हो गया था। आरोपी युवक की भाभी गांव की सरपंच है। दोनों परिजन द्वारा 23 नवंबर को शादी का दिन तय हुआ था। पिता जमीन रखकर पैसों का इंतजाम किया। युवती के माता पिता व परिजनों ने शादी की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उस रात बारात नहीं आई। गांव वाले ने पता लगाया कि दूल्हे के और दूल्हे की भाई और भाभी ने घर से भगा दिया है। जब इस संबंध में लड़की वाले को लड़के के घर पहुंचे तो दूल्हे के भाई और भाभी ने 2 लाख नकद और मोटरसाइकिल मांग की। बेबस पिता उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उनकी शर्त तब तक भी दहेज नहीं मिलेगा तब तक बारात नहीं आएगी। आवेदन में पीड़िता ने पुलिस से उसी लड़के से शादी करवाने की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आत्महत्या की भी चेतावनी दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जाँच पर कार्रवाई की है। शहडोल से जगुल मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। देखिए, खैरहा थाना के तहत जो है सारंगपुर जो गाँव है उसके सुपोल निवासी उनके द्वारा एक लिखित शिकायत कार्यालय में की गई है, और जिसको उनके द्वारा बताया गया है कि बेटी का जो विवाह शिफ्ट हुआ था वो संबंधित गोबर पक्ष है। वह सारा विवाह की तैयारी के पश्चात आया, और उसके कुछ वाद विवाद भी हुआ है, और साथ ही इसमें जो है उनके द्वारा इकोनॉमिक जो व्यवस्था है कि लॉस हुआ है। इस संदर्भ में उन्होंने एक शिकायत प्रस्तुत की है, तो इस संदर्भ में जो है पुलिस के द्वारा एक प्रकरण पंजीकृत किया गया है। जहाँ तक के शिकायत में जो अन्य उल्लेखित तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को जो है संदर्भित जो आई है उनको निर्देशित किया गया है कि सारे बिंदुओं पर जो है निष्पक्षतापूर्वक जो है विवेचना करें और जो साक्ष्य संग्रह है वो कम्प्लीट करें, और जिसमें जो भी जिनकी गलती है उसके ऊपर जो है उचित वैधानिक रूप से कार्रवाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।